इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं टाइगर ट्री का जो टिकट्स गिव अवे करने वाला हूँ, जो 10 टिकट्स गिव अवे करने वाला हूँ, उसी को लेकर एक अपडेट है, और यही है वो वीडियो जिसपे आपको कमेंट करना है। हेलो एंड वेलकम टू मूवी डायरी, मैं हूँ सुखेंदु और आप सभी को इस चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के अंदर आपको दिन भर मिलेगा फिल्मी दुनिया से काफी सारे अपडेट्स, रिव्यूज, रिकमेंडेशंस, रिएक्शंस और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में। तो फिर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो कर दीजिए दिन भर सिनेमा वर्ल्ड से जुड़े रहने के लिए। वैसे आज आ गया हूँ काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वीडियो बनने वाला है। वैसे काफी सारे अपडेट्स शॉर्ट्स फॉर्मेट में इस चैनल में है, आप जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो फिर ज्यादा देर ना करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तेलुगु सुपरस्टार रवि तेजा की अपकमिंग मूवी टाइगर नगेश्वरा राव के बारे में। ये जो मूवी है, ये रवि तेजा का फर्स्ट पैन इंडिया फिल्म है, ये सभी को पता है। अब इस फिल्म का ट्रेलर आ रहा है बहुत जल्द, और इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो 3 अक्टूबर यानी कल को ड्रॉप किया जाएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसके ट्रेलर के लिए, क्योंकि इसका जो टीजर आया था काफ़ी प्रॉमिसिंग एक टीजर था, बहुत इंटरेस्टिंग था। तो इसका ट्रेलर देखने के लिए मैं सच में बहुत इंतजार कर रहा हूँ। लियो मूवी से 2 अपडेट आ रहा है। थलापति विजय स्टारर, ये लियो जो मूवी है, इस मूवी को, मूवी का जो ट्रेलर है वो 5 अक्टूबर को ड्रॉप किया जाएगा। साथ ही साथ खबर ये है कि आज 2 अक्टूबर को इस फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। तो ऐसा ना होने की वजह से ये स्पेक्यूलेशंस चल रहा था कि क्या इस फिल्म का रिलीज डेट पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन मेकर्स की तरफ से ये कन्फर्म्ड कर दिया गया है कि ऐसा नहीं है, अगले 2-3 दिनों के अंदर ही जो सेंसर वाला स्क्रीनिंग होता है वो हो जाएगा और सेंसर सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। तो रिलीज डेट में अभी तक कोई भी बदलाव नहीं है। कंतारा 2 को लेकर एक अपडेट आया है। ये सभी को पता है कि कंतारा 2 जो है वो कंतारा 1 का सीक्वल नहीं है, प्रीक्वल है, मतलब इससे पहले क्या हुआ था उसी के ऊपर है ये स्टोरी। और ये जो स्टोरी है ये 4th century पर बेस्ड है, और इस फिल्म का बजट होने वाला है 125 करोड़, और इस फिल्म का शूटिंग इसी साल के नवंबर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। मतलब ये देखना होगा कि जो मिड एज होता था जिसे हम कहते थे, उस ज़माने की एक फिल्म बनाया जाए तो उस एज को कैसे एस्टेब्लिश किया जाएगा, उसका प्रोडक्शन डिजाइन कैसा होगा, ये देखने में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला है। दोस्तों ये खबर पहले ही आ गया था कि सिंघम 3 जो है, मतलब रोहित शेट्टी का जो कॉप यूनिवर्स का है, कॉप यूनिवर्स की फिल्म्स है, उसकी जो नेक्स्ट फिल्म है सिंघम 3 या फिर सिंघम अगेन, इसके अंदर एंटागनिस्ट के रोल में अर्जुन कपूर देखा जा सकता है। लेकिन आज ये ऑफिशियली कन्फर्म्ड कर दिया गया है कि ये सच है कि अर्जुन कपूर ही मेन एंटागनिस्ट की भूमिका में नज़र आने वाला है। ये क्या डिसीजन लिया रोहित शेट्टी ने, मतलब अजय देवगन के सामने अर्जुन कपूर। शिवा कार्तिकेयन और रकुलप्रीत स्टारर अपकमिंग पैन इंडिया मूवी आयलन, जो कि इंडिया की फर्स्ट लाइव एक्शन मूवी है। इस मूवी का जो टीजर है वो इसी हफ्ते, मतलब 1st week of October को ही ड्रॉप किया जाएगा, और इस फिल्म को 12th January यानी संक्रांति 2024 में रिलीज कर दिया जाएगा। मेकर्स की तरफ से ये कहा गया है कि इस फिल्म के अंदर 4,500 से भी ज़्यादा बेफेक्स वाला शॉट्स है। एसआर के स्टारर अपकमिंग मूवी डायरेक्टेड बाय राजकुमार हिरानी डंकी से ये अपडेट आ रहा है कि डंकी का जो ओवरसीज राइट है वो यश राज फिल्म्स करने वाला है। जैसे जवान में किया गया था कि ओवरसीज राइट YRF ने किया था, और डंकी में भी वही करेंगे। और इंडिया की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करने वाला है पेन मारुधार, और पेन मारुधार ने ये कन्फर्म कर दिया है कि इसका जो स्क्रीनिंग है, मतलब इंडिया की जो स्क्रीनिंग है और डिस्ट्रीब्यूशन है, इट विल बी मोर देन सलार। वैसे कल ही एक मैंने वीडियो बनाया था कि सलार जो है वो उग्रम का रीमेक है। आप बताइए कमेंट करके, क्या ये सच है, आपको क्या लगता है, उग्रम का ही रीमेक है। टाइगर 3 से एक अपडेट है। अपडेट यही है कि टाइगर 3 का टीजर जरूर आ गया। टीजर कहूँ या फिर टाइगर का मैसेज क्या कहूँ पता नहीं, जो भी हो टीजर ही कहना चाहिए, टीजर जरूर आ गया। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि टाइगर 3, यही कहा गया है कि दिवाली पर रिलीज होगा, लेकिन अभी तक इस फिल्म का कोई भी एग्जैक्ट रिलीज डेट बताया नहीं गया है। आपको क्या लगता है ये कौन सी डेट पर रिलीज होने वाली है? वैसे इस बार दिवाली फ्राइडे को ही है। थलाइवर रजनीकांत की अपकमिंग मूवी जिसका टेंटेटिव टाइटल है थलाइवर 170, इस फिल्म से एक अपडेट निकल कर आ रहा है कि इस फिल्म के अंदर लीड फीमेल एक्टर के तौर पर हम देख पाएंगे रितिका सिंह को। रितिका सिंह वही एक्टर है जिसको आप इससे पहले आर माधवन के साथ साला खड़ूस मूवी में देखा है। रितिका सिंह जो है वो एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट है,
और अब बात करते हैं टाइगर 3 का जो टिकट गिव अवे में करने वाला हूँ उसके बारे में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, एक मेरा एक शॉर्ट्स है, उस लिंक पर जाइए, आपको क्या क्या करना होगा पूरे डिटेल में बता दिया गया है। उस वीडियो को फॉलो कीजिए, उस वीडियो में कमेंट के बारे में बताया गया है, वो कमेंट करने वाला वीडियो यही है, इस वीडियो में ही आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हाँ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, जय सिनेमा।